तो ये मिनी वॉशिंग मशीन जैसा कि इंस्ट्रक्शन लिखा गया था, हम इसे यहाँ पे चिपका देते हैं। एंड एक्चुअल में ये चिपक भी गई अच्छे से बकेट के अंदर। सो अब जो आगे का प्रोसेस करते हैं, इसमें पानी डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, थोड़े बहुत कपड़े डालते हैं, देखते हैं पानी एक्चुअल में घूम भी पाता या नहीं पाता। ओके दोस्तों, गिर तो नहीं रहा। सो अब डालते हैं पानी एंड कपड़े, एंड रिजल्ट देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं मैं। पहले जो है डिटर्जेंट डाल देना आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट का, छोटे कपड़े धो पाओगे इसमें वैसे, तो उस हिसाब से डिटर्जेंट डालिए। उसके बाद जो इसमें पानी डाल दीजिए एंड देखिए, फिर अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया। अब जो इसमें आपके कपड़े, जैसे कि यहाँ पे हम मास्क डाल रहे हैं एंड ये एक रुमाल डाल देते दोस्तों इसको अंदर अच्छे से। अब दोस्तों इतना बड़ा ये एक शर्ट डाल रहा है, देखते हैं ये छोटी सी वॉशिंग मशीन क्या काम कर पाती है। इतनी सी ये वॉशिंग मशीन मुझे नहीं लगता काम करेगी, वो तो आगे हम टेस्ट करेंगे तो ही पता चलेगा। अगर मैं बोलूँ ये इतना छोटा सा बॉक्स जो एक वॉशिंग मशीन है, तो क्या आप मेरी बात पे विश्वास करोगे। तो ये है अल्ट्रासोनिक टर्बाइन वॉश, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे छोटी सी आपको एक वॉशिंग मशीन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो टी शर्ट, शर्ट, अंडरगारमेंट, सॉक्स, ड्रेसेस, सबको जो है ये धो देगा आराम से। एंड एक्चुअल में दोस्तों बहुत ही छोटा बॉक्स है, यहाँ पे कुछ इसके इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं। एंड यहाँ पे ये आप देखिए 1 kg तक कपड़े ये धो सकता है। अल्ट्रासोनिक है, स्मार्ट एक्सटेंड टर्बाइन क्लीनिंग, एंड इसमें तो इजी टू कैरी, वो तो ऑफकोर्स इतना सा है तो हो गई। इसका आउटपुट जो है गाइस यहाँ पे 6 W का है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं, टेस्ट करते हैं क्या ये हमारी छोटी सी वॉशिंग मशीन एक्चुअल में वर्क करती है क्या। सो इसे ओपन करते हैं एंड देखते हैं बॉक्स में क्या क्या देखने को मिल जाता है। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको पूरा बताया गया कि इसे जो है आप कैसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से वॉशिंग मशीन को ऐसे लटकाना होगा वाटर मतलब बकेट में, फिर जो है टर्न ऑन करना होगा। यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया गया है एंड यहाँ पे भी पूरा बताया गया है। सो आपको ये पढ़ लेना चाहिए। बाकी यहाँ पे आपको हेलो देखने को मिल जाता है एंड हमारी छोटी सी ये एक वॉशिंग मशीन देखने को मिल जाती है, जो कि एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा छोटी है। नीचे जो है यहाँ पे 3 ये दिए गए सक्शन कप, जिसे निकाल लेते हैं। एंड दोस्तों इतनी सी ये वॉशिंग मशीन मुझे नहीं लगता काम करेगी, वो तो आगे हम टेस्ट करेंगे तो ही पता चलेगा। सो ये कुछ इतनी सी जो है वॉशिंग मशीन देखने को मिल जाती है, और बॉक्स में और कुछ नहीं देखने को मिलता। ये सक्शन कप है ताकि ये चिपक जाए, अगर हम इसे दीवार पे चिपकाने की कोशिश करें तो दीवार पे तो ऑफकोर्स नहीं चिपकेगी क्योंकि दीवार थोड़ी वैसी है। सो ये वॉशिंग मशीन देखिए दोस्तों ऐसी है कुछ इस तरह की छोटी सी। अब जो है सिंपली इसको जो है इस तरह के एडेप्टर में लगाना होगा, जो कि मोबाइल वाला सॉकेट होता है उसी में। एंड बाकी इसमें और कुछ दिया गया नहीं है, बस नीचे ये 3 सक्शन कप है, ऊपर ये एक रोटेटर है जो कि वॉशिंग मशीन में काफी बड़ा होता है, इसमें काफी छोटा दिया गया क्योंकि ये छोटी वॉशिंग मशीन है एक तरह से। सो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं एक्चुअल में ये हमारे कपड़े को धो पाती है क्या। एक बार प्लग ऑन करते हैं कि भाई एक्चुअल में ये पानी के अंदर बकेट के अंदर कैसे घूमने वाली है। एंड दोस्तों जैसा कि आपने देखा स्पीड एकदम बढ़िया है इसकी, बहुत फास्ट जो है घूम रही है। एंड एक्चुअल में इसमें छोटे कपड़े ही धो पाएंगे, ऑफ कोर्स बड़े कपड़े जो है नहीं धुल पाएंगे इससे। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। एंड ये जो एक ही साइड घूम रही है वॉशिंग मशीन में, ऐसे ऐसे दोनों साइड घुमा जाता है, बट ये जो एक ही साइड घूम रही है, चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो ये मिनी वॉशिंग मशीन जैसा कि इंस्ट्रक्शन लिखा गया था, हम इसे यहाँ पे चिपका देते हैं। एंड एक्चुअल में ये चिपक भी गई अच्छे से बकेट के अंदर। सो अब जो आगे का प्रोसेस करते हैं, इसमें पानी डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, थोड़े बहुत कपड़े डालते हैं, देखते हैं पानी एक्चुअल में घूम भी पाता या नहीं पाता। एक बार इसे ऐसे ही ऑन करते हैं भाई, ये गिर ना जाए कहीं पे। सो एक बार टेस्ट करने के लिए इसे ऐसे ही लगाते हैं एंड देखते हैं कि ये भाई चलता है भी या नहीं। ओके दोस्तों, गिर तो नहीं रहा। सो अब डालते हैं पानी एंड कपड़े एंड रिजल्ट देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं मैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले जो है डिटर्जेंट डाल देना आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट का, छोटे कपड़े धो पाओगे इसमें वैसे, तो उस हिसाब से डिटर्जेंट डालिए। उसके बाद जो इसमें पानी डाल दीजिए एंड देखिए, फिर थोड़ा पानी जो है भर दीजिए ताकि ये पूरी मशीन तो कवर हो जाए। ये मिनी वॉशिंग मशीन अपनी जो है वर्क इन प्रोग्रेस है, सो देखते हैं कैसे जो ये वर्क करने वाली। इसमें हम पानी डाल रहे, डिटर्जेंट डाल दिया है। ओके, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया है। अब जो इसमें आपके कपड़े, जैसे कि यहाँ पे हम मास्क डाल रहे हैं एंड ये एक रुमाल डाल देते दोस्तों इसको अंदर अच्छे से। अब दोस्तों इतना बड़ा ये एक शर्ट डाल रहा है, देखते हैं ये छोटी सी वॉशिंग मशीन क्या काम कर पाती है।
इसे एक बार अंदर डुबा देते हाथ से। ओके ओके, चलिए इसे चलाते हैं। एंड ये टेस्ट का टाइम है, छोटी सी वॉशिंग मशीन बकेट, चलिए चलाते हैं। अब स्टार्ट होगी। जैसा कि आप देख सकते हो शर्ट तो हिल भी नहीं रहा, इसके थोड़ा दबाते हैं। ओके, अब उल्टा घुमा है, वैसे आपको पता चल गया होगा वहां से। ओके दोस्तों, शर्ट जो है ये नहीं धो पाया, निकाल रहे हैं इसे एंड थोड़े और छोटे वाले डाल दें। अब एक बार चलाओ। एंड जैसा कि आप देख सकते हो वो सक्शन लूज हो गया उसका, अब उल्टा घूमेगा। ओके, इसे यहाँ पे अटैच कर दिया, थोड़ा ऊपर दिखाते हैं, आपको दिखेगी घूमते वक्त। वापस से स्टार्ट करते हैं। एंड इस तरह से जो ये घूमती है दोस्तों, ये मैंने आपको दिखाने के लिए ऊपर लगाई है। ओके दोस्तों, अब जो हम इसे सीधा फिट करते हैं एकदम सेंटर के अंदर। ओके, कर दिया है। एंड अब चलाते हैं एंड देखते हैं क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके, इसमें वाटर लेवल थोड़ा कम करते हैं एंड थोड़ा देखते हैं आपको जो है मतलब दिख पाता है क्या, कैसे ये जो घूम रही है नीचे से। ओके, मास्क हैंकरचीफ ये डाल दिया फिर से। एंड दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ये छोटी वॉशिंग मशीन बड़े कपड़ों को तो ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं कर पाती। ये जो है गाइस एकदम बकवास आइटम है, अगर आप कहीं पे देखो और लेने की सोचो तो बिल्कुल भी ना लीजिए। ये छोटी वॉशिंग मशीन खुद ही मुश्किल से घूम पाती है, कपड़ों को क्या ही घुमाएगी। एंड एक्चुअल में ये सब धोने के लिए इतना टाइम भी नहीं है कि हम इसे एकदम इधर अंदर फिक्स करें एंड चलाए। एंड ये एक्चुअल में एकदम बकवास आइटम है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग जो ऐसी बिल्कुल परचेज ना करें। अब हमने तो कर लिया है, तो हमारा तो काम यही है आपको रिव्यू करके बताए कि गाइज ये ऐसे प्रोडक्ट आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। सो आप बिल्कुल भी ना खरीदे ये मिनी वॉशिंग मशीन, एकदम भी जो वर्क नहीं करती। एंड देखिए इसका जो एक सक्शन भी अंदर चला गया, बताओ पहले ही टेस्ट में ऐसा हो गया। सो गाइज होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।